Hi guys, this is Archana from evidyarthi.in. इस सेशन में हम लोग प्रपोजिशन की कॉमन एरर्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे एडवांस लर्नर्स भी प्रपोजिशंस को लेके काफी कंफ्यूज रहते हैं। कहाँ पे टू लगाए, कहाँ पर फॉर, कहाँ पे सिंस, बहुत कंफ्यूजन है। बट इस सेशन के बाद आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स बहुत सारे एडवांस लर्नर्स भी प्रपोजिशंस को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। कहाँ पर टू लगाए, कहाँ पे सिंस, कहाँ पे फॉर, बहुत कंफ्यूजन है। बट इस सेशन के बाद आपके काफी सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आप देख सकते हैं। इन सेंटेंसेस में कौन से करेक्ट हैं, कौन से इनकरेक्ट, ये आपको सोचना। ओके, सो ही आस्क्ड ए कॉफी। इज दिस करेक्ट? व्हाट डू यू थिंक? दिस इज इनकरेक्ट। Why? क्योंकि जब हम किसी से कुछ मांग रहे हैं, कुछ डिमांड करते हैं या फिर कुछ देने को कहते हैं, तो हम लोग ask के साथ for लगाते हैं। Ask के साथ for preposition आएगा। He asked for a coffee. Okay? So he asked for a coffee. Okay. Next. I met with your friend. Met कौन सा verb है? This is the past form of meet verb. तो meet का मतलब होता है किसी से face to face मिलना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे with की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे friend के साथ face to face मिलने के लिए meet verb use कर रहे हैं। So I met your friend मतलब मैं तुम्हारे फ्रेंड से मिला। Next, our company's performance is inferior than theirs. Means हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस उनकी कंपनी की परफॉर्मेंस से inferior है, right? तो जब हम inferior, superior, junior या senior ऐसे comparative adjectives यूज करते हैं comparison के लिए, तो वहां पे than preposition नहीं आता, to आता है। So instead of than, we would use to. Okay? So our company's performance is inferior to theirs. Next. It was the worst storm since 10 years. Okay. Is this correct? बहुत सारे लोगों को ये correct लग रहा होगा। इसमें बहुत confusion है, कहाँ पे for लगाएं, कहाँ पे since लगाएं। This is incorrect. क्यों? Because for हम लोग since कहाँ use करते हैं? जब हमें किसी पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम से लेकर अभी तक अगर कुछ कंटिन्यू हो रहा है या कोई एक्शन हो रहा है, तो हम लोग वहां पे सिंस लगाते हैं। जैसे कि शी हैज बीन इन सिंस जनवरी, मतलब एक गर्ल की बात कर रहे हैं कि वो जनवरी से लेकर अब तक बीमार है, तो वहां पे हम सिंस यूज करते हैं। बट यहाँ पे हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड की ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, 10 ईयर्स का ड्यूरेशन, तो यहाँ पे हम लोग फॉर यूज करते हैं। जब भी हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, जैसे कि 2 वीक्स, 2 आवर्स, 3 वीक्स, व्हाटएवर, आई मीन द ड्यूरेशन, वहां पे हम लोग फॉर यूज करते हैं। सो यहाँ पे आएगा फॉर इंस्टेड ऑफ सिंस, यूज फॉर। सो इट वाज द वर्स्ट स्टॉर्म फॉर 10 इयर्स। ओके, नेक्स्ट, ही मेट मिसफॉर्च्यून। यहाँ पे मीट का दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मीट वर्ब, जो हमने अगले अभी ऊपर भी पढ़ा था। यहाँ पे इसका दूसरा यूसेज है, यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि इस पर्सन ने कुछ एक्सपीरियंस किया। क्या? मिसफॉर्च्यून मीन्स दुर्भाग्य। तो उसके साथ कोई दुर्घटना घटी या कुछ बुरा हुआ, सो ही मेट मिसफॉर्च्यून। बट समथिंग इज मिसिंग हियर, दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पे आएगा he met with misfortune, right? He met with misfortune मतलब उसने ये एक्सपीरियंस किया, दुर्भाग्य, दुर्घटना, whatever, right? Some bad experience उसने एक्सपीरियंस किया। तो meet के दो यूजेज है, एक टू फेस समवन
जैसे यहाँ पे था आई मेट योर फ्रेंड, मतलब कि आप मैंने तुम्हारे फ्रेंड से फेस टू फेस मुलाकात की, और यहाँ पे है कि वो दुर्भाग्य से मिला या उसके साथ कोई दुर्घटना घटी. सो वी मेट विद मिसफॉर्चून, यहाँ पे प्रपोजिशन आएगा विद, यहाँ पे किसी प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है, राइट. सो लेट्स गो अहेड. नेक्स्ट, शी इंसिस्टेड टू पे. आई थिंक ये तो आपको पता लग रहा होगा कि ये करेक्ट नहीं है. क्यों करेक्ट नहीं है? बिकॉज इंसिस्ट के साथ ऑन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ, राइट. सो टू नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा She insisted on paying. Right? She insisted on paying. This is incorrect. Okay? So, insist jo bhi aayega on plus verb ki ing form. Next, let's go for writing. Ye to aapko correct lag raha hoga, right? But ye correct nahi hai. Kyun? Because गो के साथ जब हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या फिर लेजर एक्टिविटीज की बात करते हैं तो गो के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी. सो लेट्स गो राइटिंग, दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट, ही गोज इन द स्कूल. आई थिंक ये आपको पता लग रहा होगा कि दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज ये हम लोग अक्सर यूज करते हैं, दैट ही गोज टू द स्कूल. वाई, टू क्यों लगेगा यहाँ पर? टू इसलिए लगेगा बिकॉज टू प्रपोजिशन हम लोग यूज करते हैं मूवमेंट के लिए, डायरेक्शन के लिए. तो यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, ही इज गोइंग टू द स्कूल, मूवमेंट है, राइट. ओके, नेक्स्ट, सेंड दिस लेटर ऑन माय न्यू एड्रेस. ये भी इनकरेक्ट है. ये इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर भी मूवमेंट हो रही है, राइट. लेटर भेजने की बात हो रही है, सेंड दिस लेटर ऑन माय न्यू एड्रेस, मेरे नए एड्रेस के ऊपर लेटर भेजो. तो हम लोग एक्शन मूवमेंट की बात कर रहे हैं. सो यहाँ पर भी टू आएगा, ऑन में. सो सेंड दिस लेटर टू माय न्यू एड्रेस. सो नेक्स्ट, आवर हाउस इज near to the beach. Ye correct hai? No, this is incorrect. I know most of you would be thinking that this is a correct sentence, but this is not. Near ka matlab close to means. Near का मतलब close to. तो to इसी के अंदर है. You don't need to use any preposition. जब आप near use कर रहे हैं तो our house is near the beach. क्योंकि near का मतलब ही है close to. Okay? I hope this was clear. अगर आपको अभी भी doubts हैं तो please हमें comment box में लिखकर भेजिए. We'll clarify all your doubts. So see you in the next session. Till then, goodbye.